गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में हम कुछ नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले सभी पहले की कक्षा का रिवीजन करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मेनू बार क्या होता है? मेनू बार हमारे फाइल के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह हमारे फाइल के सारे ऑप्शन, चाहे वह किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग करने से हो, मर्ज डॉक्यूमेंट से हो, या टेबल बनाना हो, या फिर फाइल को सेव करना हो। मेनूज बार के अंदर सभी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो और हेल्प आता है। इसके अंदर अलग-अलग सब मेनू के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, जिनके उपयोग से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार एक शॉर्टकट तरीका होता है, जिसे यूजर अपने उपयोग के अनुसार मेनू बार के अंदर उपलब्ध सब मेनू को अपनी जरूरत के अनुसार चुन सकते हैं और इसे खुद बना सकते हैं और सीधे उपयोग में ला सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग से हम किसी लाइन या पैराग्राफ के टेक्स्ट की राइटिंग, कलर, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट को बोल्ड अथवा गहरा, टेक्स्ट के नीचे लाइन मतलब अंडरलाइन इत्यादि चेंज कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें। अगर कंप्यूटर को ऑन करने में कोई समस्या हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आइए सीखें कि राइटर की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर जाएं और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबा दें। एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें। अब यहाँ पर ओपन ऑफिस लिखे हुए ऑप्शन को टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें और फिर यहाँ पर ओपन ऑफिस राइटर पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें, जिससे राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में आप सब रूलर, स्टेटस बार, ड्राइंग बार और टेक्स्ट बाउंड्री के बारे में सीखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ टाइप करेंगे और सबसे लास्ट में हम फॉर्मेटिंग बार के कुछ ऑप्शन, जैसे कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का उपयोग करेंगे या उपयोग करना सीखेंगे। सामने दिए गए चित्र को देखें और बताएं इसे क्या कहते हैं। इसे रूलर कहते हैं। क्या आप जानते हैं रूलर हमारे किस काम में आता है? रूलर हमारे पेज को सेट करने के कार्य में आता है। रूलर पेज में मार्जिंग देने का कार्य करता है। इसका मतलब यह कि आप पेज में कहाँ से लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए रूलर से आप सेट कर सकते हैं। रूलर दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर या स्केल की तरह होते हैं। स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार पेज का स्टेटस बताता है कि आपके पास टोटल कितने पेज हैं और हम कौन से पेज पर टाइप कर रहे हैं और जो टाइप कर रहे हैं वह कौन सी भाषा है। अब हम ड्राइंग बार के बारे में सीखेंगे कि ड्राइंग बार क्या होता है। ड्राइंग बार स्टेटस बार के नीचे होता है। इसके अंदर बहुत सारे ड्राइंग की शेप्स उपलब्ध होती हैं। ड्राइंग बार के अंदर जो शेप्स उपलब्ध होती हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं: सर्कल, रेक्टेंगल, अलग-अलग प्रकार के स्टार्स और फॉन्टवर्क गैलरी इत्यादि। इन सभी शेप्स का अलग-अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। अपनी जरूरत के अनुसार से इन शेप्स का उपयोग कर सकते हैं। टेक्स्ट बाउंड्री क्या होता है? टेक्स्ट बाउंड्री हमें पैराग्राफ को एक बाउंड्री के अंदर टाइप करने में मदद करती है। पेज के चारों ओर एक बॉक्स बन के आता है, इसको टेक्स्ट बाउंड्री कहते हैं। सामने दिए गए पैराग्राफ को देखकर आप सभी टाइप करें और उसके बाद हम इस पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। आप सभी इस पैराग्राफ को टाइप करना शुरू करें। क्या आप जानते हैं
किसी भी लाइन या पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने से पहले क्या करना होता है? आइए जानते हैं पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करने से पहले क्या करना होता है। पैराग्राफ या लाइन को फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको उसे सिलेक्ट करना अनिवार्य होता है। आप अपने पैराग्राफ या लाइन को तीन अलग अलग तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या आप उन तरीकों को जानते हैं? अगर हमें पूरी लाइन या पूरी पेज जिस पर हमने टाइप किया है उसे सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस ए का बटन दबाएंगे, जिससे कि आपकी लाइन या पूरी पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगी। जब लाइन या पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा तब हमारा टेक्स्ट जिसे हमने टाइप किया है वह ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि आप अपने टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेलेक्ट करने के लिए तीन मेथड बताए गए हैं। उनमें से पहला मेथड है आपका शॉर्टकट कमांड। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप इसके लिए शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करें जो कि कंट्रोल प्लस ए होता है। अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल बटन को दबा के रखें, राइट हैंड के एक फिंगर से ए के बटन को दबाएं, जैसे कि आपका यह टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट किए हुए पैराग्राफ और लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप अपने माउस अथवा टच पैड के लेफ्ट बटन से पेज के अंदर कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दें, जिससे आपने जिस पैराग्राफ अथवा टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वह अनसेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका जो कि हम अपने टचपैड या माउस के द्वारा सेलेक्ट करते हैं, टचपैड की मदद से हम अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करने से पहले अपने कर्सर को उस लाइन या पैराग्राफ के शुरू या अंत में रखते हैं जहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अपने एक हाथ से टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखना होता है और उसके बाद टच पैड के पैड पर दूसरे हाथ से लेफ्ट या राइट साइड में ड्रैग करना होता है। जैसे हम ड्रैग करना शुरू करते हैं हमारी पेज या लाइन ब्लू कलर से सेलेक्ट होना शुरू हो जाती है। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टच पैड या माउस के द्वारा सेलेक्ट कैसे करते हैं। टच पैड या माउस के द्वारा सेलेक्ट करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपका कर्सर कहाँ पे है, टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के एंड में या शुरू में। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपका कर्सर यहाँ पे टेक्स्ट के एंड में है यानी पैराग्राफ के एंड में है, तो आप अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और उसके बाद आप इसे पीछे की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे, फिर उसको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करके लेकर जाएंगे, जिससे कि आपका यह टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट किए हुए पैराग्राफ और लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप अपने माउस अथवा टच पैड के लेफ्ट बटन से पेज के अंदर कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दें, जिससे आपने जिस पैराग्राफ अथवा टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वह अनसेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका, हम अपने कीबोर्ड की मदद से लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के लिए हमें कीबोर्ड के शिफ्ट बटन और एरो की का उपयोग करेंगे। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि शिफ्ट बटन के साथ एरो की का उपयोग करके टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ को सेलेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपका कर्सर कहाँ पे है, लाइन या पैराग्राफ के शुरू में या अंत में आपको कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कर्सर पैराग्राफ के एंड में है, तो हम शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे लेफ्ट हैंड के एक हाथ से और दूसरे हाथ से लेफ्ट एरो की को दबाएंगे, तो ऐसे आपका लाइन सेलेक्ट होता जाएगा एक एक करके। तो इस तरह से आप शिफ्ट और एरो की का प्रयोग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कीबोर्ड में चार एरो की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन एरो की। इनका उपयोग कैसे करते हैं यह आप सभी जानते ही होंगे। अगर आप सेलेक्ट किए हुए पैराग्राफ और लाइन को हटाना चाहते हैं तो आप अपने माउस अथवा टच पैड के लेफ्ट बटन से पेज के अंदर कहीं पर भी एक बार क्लिक
क्लिक कर दें, जिससे आपने जिस पैराग्राफ अथवा टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वह अनसेलेक्ट हो जाएगा। किसी लाइन और पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करते हैं यह आपको बताया जा चुका है। अब आप बताए गए तरीके से सबसे पहले लाइन को सेलेक्ट करें। अगर आप पूरी लाइन अथवा पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस ए होता है। इसके लिए कंट्रोल के बटन को लेफ्ट हैंड की फिंगर से दबाकर रखें और राइट हैंड की एक फिंगर से ए के बटन को एक बार दबा दें। आपको राइटिंग चेंज करने के लिए फॉन्ट नेम के ऑप्शन पर जाना है। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेक्स्ट के राइटिंग को चेंज कैसे करते हैं। इसके लिए आप फॉन्ट नेम का प्रयोग करेंगे। आप सभी अपने लाइन या पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। इसके लिए कंट्रोल के बटन को लेफ्ट हैंड की फिंगर से दबाकर रखें और राइट हैंड की एक फिंगर से ए के बटन को एक बार दबा दें। सेलेक्ट करने के बाद आप सभी फॉर्मेटिंग बार के अंदर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अपने कर्सर या पॉइंटर को यहां पर लेकर आएं और इस एरो पे जो छोटा सा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उस पर क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी राइटिंग उपलब्ध रहती हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करना होता है। अगर आपको ऊपर देख के तरफ देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर नीचे की तरफ लेके जाना है या आप इसको ऐसे भी ऊपर की तरफ कर सकते हैं और इसे नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर उसे सेलेक्ट करें। इस तरह से आप अपने लाइन या पैराग्राफ की राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को राइटिंग चेंज करते समय कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है तो आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं। अब आप सब फॉन्ट साइज के बारे में सीखेंगे। फॉन्ट साइज से आप टेक्स्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं लाइन अथवा पैराग्राफ के साइज को कैसे बढ़ाते हैं या कम करते हैं। कंट्रोल प्लस ए की मदद से उस लाइन और पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको सामने फॉर्मेटिंग बार के अंदर फॉन्ट साइज के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर अलग अलग प्रकार के नंबर दिए गए होंगे। यहाँ पर आप स्क्रॉल बार का उपयोग करके बढ़ते हुए साइज को देख सकते हैं। बढ़ते हुए नंबर पर अपने कर्सर को लेके जाएं। जैसे ही आप अपने अनुसार साइज को सेलेक्ट करेंगे तो आपके राइटिंग का साइज छोटा अथवा बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सामने दिए गए ऑप्शन से हम बोल्ड करना सीखेंगे। बोल्ड से हम अपने राइटिंग को गहरा या डार्क कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बोल्ड कैसे करते हैं। बोल्ड करने के लिए सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग बार के अंदर बी लिखे हुए ऑप्शन पर पॉइंटर को लेकर जाएं और उसके बाद टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपका लाइन या पैराग्राफ बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का मतलब होता है गहरा हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस बी होता है। अगर आप बोल्ड को हटाना चाहते हैं तो दोबारा से फॉर्मेटिंग बार के अंदर अपने पॉइंटर को बी लिखे हुए ऑप्शन पर ले जाएं और क्लिक कर दें, जिससे कि बोल्ड हट जाएगा, या आप फिर शॉर्टकट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हैं। अब आप इटैलिक करना सीखेंगे।
इटैलिक भी एक फॉर्मेटिंग है जिससे टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इटैलिक से आप सब टेक्स्ट को तिरछा टाइप कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इटैलिक कैसे करते हैं। इटैलिक करने के लिए सबसे पहले आप सभी अपने टेक्स्ट या लाइन पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग बार के अंदर, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आई लिखे हुए ऑप्शन पर अपने कर्सर या पॉइंटर को लेकर आएं और लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, जिससे कि आपका टेक्स्ट या राइटिंग इटैलिक हो जाएगा, यानी कि तिरछा हो जाएगा। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको इटैलिक हटाना है तो दोबारा से आई लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और क्लिक कर दें, जिससे कि इटैलिक हट जाएगा, या फिर आप शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करें। तो इस तरह से आप इटैलिक कर सकते हैं। अब हम अंडरलाइन करना सीखेंगे। अंडरलाइन से आप अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन ला सकते हैं। अंडरलाइन टाइप करने से पहले और टाइप करने के बाद भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से पहले हमें अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं, और उसके बाद यू लिखे हुए आइकन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी पूरी टेक्स्ट की राइटिंग के नीचे लाइन आ जाएगी। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अंडरलाइन कैसे करते हैं। आप सभी अपने टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेटिंग बार के अंदर यू लिखे हुए ऑप्शन पर अपने कर्सर या पॉइंटर को लेकर आएं और फिर यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें, जिससे कि आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन हटाना है तो आप दोबारा से फॉर्मेटिंग बार के अंदर यू लिखे हुए ऑप्शन पे जाकर क्लिक करें, अंडरलाइन हट जाएगा, या शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करें। अगर आप शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करेंगे। आप इन तीनों ऑप्शन, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का उपयोग सेलेक्ट करने के बाद भी कर सकते हैं। और अगर सेलेक्ट करने से पहले इन ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो जब आप टाइप करेंगे तो वह उस फॉर्मेटिंग में टाइप होगा। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी अपने राइटर की फाइल को क्लोज करें। अगर फाइल को क्लोज करने में कोई समस्या होती है तो आप वीडियो के मदद से क्लोज करना सीखें। सभी अपने कर्सर को पेज के दाहिने साइड कोने में क्रॉस के बटन पर लेकर जाएं और वहां अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा दें। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए हमें डिस्कार्ड वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें। अगर कंप्यूटर को शट डाउन करने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आए। इस स्टार्ट बटन पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शट डाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है। इस शट डाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में आप सभी ने सीखा कि रूलर, स्टेटस बार, ड्राइंग बार और टेक्स्ट बाउंड्री क्या होता है। उसके बाद पैराग्राफ टाइप किया और सबसे लास्ट में फॉर्मेटिंग बार के कुछ ऑप्शन, जैसे कि फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का उपयोग करना सीखा।